Hey guys, welcome back to my new vlog. तो गाइस आज है हमारा डे टू यूपी में, माने 5-6 दिन हो गया डे टू ब्लॉग का है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कुटवा मंदिर पीयूष के कुछ दोस्त के साथ। तो अभी हम लोग अपने फोर व्हीलर से जाएंगे, यहाँ से कम 10-12 किलोमीटर है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने फोर व्हीलर से। तो देखिए मैं ड्राइवर और पीछे इसका दोस्त है एक, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं और फिर मिलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी आप लोग यहां पे सिर्फ लोकेशन का मजा लीजिए और आगे बने रहे वीडियो में। तो गाइस आपको एक मस्त वाला छोटा सा डैम दिखाते हैं, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हम। तो अभी गाइस आप देख सकते हैं वहां से पानी आ रहा है इसके द्वारा, फिर इधर से उधर जिधर हम लोग गए थे उधर जा रहा है। तो आइए हम लोग यहां कुछ सिनेमैटिक आपको दिखाते हैं। There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me. तो गाइस हम लोग यहाँ घूम लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से दूसरे जगह पे, दूसरी लोकेशन पे। तो चलिए आप इस ब्लॉग में बने रहे और अच्छे लगे तो जरूर लाइक कर दे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी। तो अभी गाइस हम लोग रुके हैं यहाँ फोटो शूट के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, दोनों गाड़ी को बीच रोड पर लगा दिए हैं, लगता है इन्हीं का रोड है। तो अभी चलते हैं इन लोग के फोटो शूट के बाद हम लोग सीधा अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। You can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down, but I'm not going down with you. So you may rise, but you'll never make me wanna stick around you. तो गाइस हम लोग अपने सेकंड लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो हम लोग आए हैं अभी महादेव का मंदिर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी यहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं, काफ़ी सुंदर और काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो चलिए पहले आप लोगों को मंदिर दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं आपको लोकेशन की तरफ। माय गॉड, यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे एक मंदिर है और ये मंदिर बंद लग रहा है। और फिर देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग उधर जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे भी एक मंदिर है। तो चलते हैं हम लोग इधर की साइड। तो गाइस अभी दर्शन हो चुका है, हम लोग चलते हैं नीचे। तो ये लोग अभी दर्शन कर रहे हैं तो हम लोग अभी चलते हैं नीचे। तो देख सकते हैं यहाँ वो नहाने वाला है। देखिए गाइस कितना अच्छा दृश्य है। चलते हैं हम लोग पानी में थोड़ा उतरते हैं और देख सकते हैं ये जो आपको छोटा छोटा घर दिख रहा होगा, ये यहाँ का छठ पूजा ऐसे ही मनाया जाता है, ये छठ पूजा वाला है गाइस। तो चलते हैं पानी के पास, देखिए ये नहाने वाला है अभी। देखिए गाइस पानी बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको सिनेमैटिक पसंद आया होगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं दूसरे लोकेशन की तरफ। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने तीसरे लोकेशन पे आ चुके हैं, मतलब ये लोकेशन है। ये लोग सब नहाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर सा लोकेशन है। पता नहीं ये क्या, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताए ये क्यों लगा हुआ है यहाँ पे। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन बहुत ही अच्छा है। हम तो नहाएंगे नहीं लेकिन वहाँ खड़ा होकर आराम से फोटो खिंचाएंगे।
तो आप सिनेमैटिक का मजा ले और हम लोग मिलते थोड़ी देर में आप सभी से। Reality will never be good enough, and even if it was, we'd just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause we are. Guys, यहाँ पे भी सब लोग स्नान कर रहे हैं, तो अब तो हमको नहीं लगता है कहीं हम लोग जाने वाले हैं, तो होगा तो हम लोग घर जाएंगे। तो वीडियो बने रहे और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो गाइस यार अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, तो अभी चलते हैं घर खाना खाने के लिए। सुबह से कुछ खाए नहीं, हम लोग का प्लान था चिकन बनाने का, लेकिन चिकन तो बना नहीं, इसलिए हम लोग भूखे मर रहे हैं अभी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी। सारे हम लोग का खाना आ चुका है, देख सकते हैं खाने में है मैगी, तो हम लोग मैगी खाते हैं। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, और पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।